कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल। मैं दिव्या आज आप लोगों के सामने नूडल सैंडविच लेकर के आई हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये सबको बहुत पसंद आता है। बच्चों को तो ये बेहद अच्छा लगता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है नूडल सैंडविच बनाने के लिए। कितने नूडल्स लिए हैं? नूडल्स की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने पहले इसको डाल रखा है। इतने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, बटर लिया है और मेयोनीज लिया है। फ्रेंड्स, बहुत कम सामान में हमारा ये नूडल सैंडविच तैयार हो जाएगा। दूसरे स्लाइस पे भी हम मेयोनीज को अच्छे तरीके से लगा लेंगे। और ज्यादा नहीं यूज करना है मेयोनीज। अब हम नूडल्स को इसमें अच्छे तरीके से डाल देंगे। इसमें मेयोनीज का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको हम बढ़िया तरीके से फैला देंगे इसके ऊपर। दूसरे वाले स्लाइस में भी थोड़ा सा ही नूडल्स बनाएंगे। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर बंद नहीं होगा। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और बड़ों को भी अच्छा लगता है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है और बरसात के मौसम में तो बहुत ही बेहतरीन लगता है ये। मैंने अच्छे तरीके से अपने मेयोनीज को फैला दिया है और अब हम इसमें अपने नूडल्स को दोनों तरफ से फैला देंगे। नूडल्स की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छे से बनकर के तैयार हो गई हैं और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे और इसको हम ऐसे ही उठा करके अपने स्टैंड में रख देंगे। मैंने स्टैंड के ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा रखा है सैंडविच मेकर में। ऊपर के साइड नहीं लगा रखा था, इसलिए मैंने इसमें लगा दिया है ब्रेड में और दूसरे वाले को भी मैं इसमें लगा दूंगी। हम इसे बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए, मेरा ये इतना पक गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपके घर में सैंडविच मेकर नहीं है तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप इसे तावे पे भी सेक सकते हैं या हैंड सैंडविच मेकर से भी इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये सैंडविच बन करके एकदम तैयार हो गया है और अब हम इसे सॉस के साथ गर्मा गर्म खाएंगे। आप इसका स्वाद जरूर लें। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये गर्मा गर्म नूडल सैंडविच बन के तैयार है और अब हम इसे खाते हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, इसी तरीके से ट्राई करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।